وأحسن منك لم ترقت عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء ये किताब बरकत वाली है, जिसे हमने आप की तरफ नाजिल फरमाया है, ताके दानिश मन दोग इसकी आयतों में कौरो फिक्र करें और नसीहत हासिल करें। अल्लाहुम्मसल्लाल्लाहु अलैहि वालैहि सईदरा मुहम्मद इब्न आलिसईदरा मुहम्मद इब्न आदद कुल जरा तम्म्यताल फालफे मर्तिक सामाइन हो नाजिरीन क़राम सल्� आज का मौजू क्या हमने कौम नूह की सिफात मुकम्मल तौर पर अपना ली हैं? इसके साथ आज के सबक का आगाज करते हैं सबसे पहले गुजता सबक का होगा। हर नहीं, बेशक हमने उन्हें उस चीज से पैदा किया है जिसे वो भी जानते हैं इन्ना सो मैं मशारिक और मगारिब के रब की कसम खाता हूँ के बेशक हम पूरी कुदरत रखते हैं आला इस पर के हम बदल कर इनसे बेहतर लोग ले आए और हम हर जिज नहीं है सो <दर्थम्यखुदू> so, आप इन्हें छोड़ दीजिए कि वो अपनी बेहुदा बातों और खेल तमाशे में पड़े रहें यहाँ तक कि अपने उस दिन से आ मिलें। जिसका इनसे वादा किया जा रहा है यौ मा यخرجون من الاجداث سراعا كانهم الى نصب يوفضون जिस दिन वो कब्रों से दौड़ते हुए यूं निकलेंगे गोया वो बुतों के स्थानों की तरफ दौड़े जा रहे हैं خشعه ابصارهم ترهقهم ذله उनका हाल ये होगा कि उनकी आखें शर्म और खौफ से झुक रही होंगी जिल्लत उन पर छा रही होगी यही है वो दिन जिसका उनसे वादा किया जाता था सामने कराम का आगाज़ हो रहा है और ये सूरत बहुत अहम है हमारे लिए ये एक बात तो ये जहन में रख लें कि ये सूरत हमारे लिए है ये कौम नू का वाक़ा है लेकिन वो इंसान थे और हम भी इंसान हैं उन्होंने अपनी रसूल की दावत को झुठलाया उनको झूठा समझा उसका इनकार किया कौला अमलन उन्होंने कौला किया हम लोग अमलन करते हैं बस थोड़ा सा फ़र्क इतना है लेकिन हमारे और हमारी कौम और नूह अलैहिस्सलाम की कौम में कतई फ़र्क नहीं है बस सिर्फ़ ये है कि उन्होंने अपने कौल से लाया कि हम नहीं मानते तुम्हारी बात और उसका मजाक उड़ाए हम मजाक उड़ाते हैं लेकिन अमलन उड़ाते हैं अपने रसूल की दावत का अमलन मजाक उड़ा रहे बस थोड़ा सा ये फ़र्क़ है ये सूरत है मक्की मक्के दौर की और मक्के में जाहिर है कि मशरक थे और मशरकिन ने मान के न दिया उनकी अक्सरियत ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत करनी पड़ी आज भी हम पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र करम नहीं है बल्कि उन्होंने मुंह मोड़ लिया है हमसे यानी एक किस्म से मैं आपको कह रहा हूँ मतलब इसको ज़रा आप इतना वो ना लें लेकिन यह है कि अल्लाह को हमने अपने नाराज़ कर दिया है और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने अपने आमाल से नाराज़ कर दिया है और बात यह है कि हमने रसूल की दावत को उन्होंने तो सुना था और मिन ने अपने रसूल की दावत को सोच समझ के झुटलाया था हम बग़ैर सोचे समझे झुटला रहे क्योंकि हम एक ऐसे माहौल में पैदा हुए हैं जो रसूल की दावत से अमला इनकारी है इनकारी माशरा है ये बागी माशरा है ये अल्लाह को इलाह वाहिद न मानने वाला माशरा है और उसमें हम सब शामिल हैं तकरीबन ए कौम इज़ ए हम उम्मा तो इस सूरत में बाहर आगाज़ करते हैं अपने मजामीन का और मैं आपको ये कह दूँ कि ये इस सूरत में यानी जो नू अलैहिस्सलाम की कौम का वाक़ इसमें है क्या इसमें बहुत से मबाहिस हैं कि रसूल को क्यों भिजवाता है अल्लाह ताला रसूल की दावत क्या है और उसका यानी उसका तरीक़ार क्या है अल्लाह की बंदगी की ये मैं आपको इब्तदाई तौर पर बता रहा हूँ तो आपको ये याद रख लें तो आसानी होगी बहरहाल फिर मैं अपने वक़्त वक पर तशरी करता रहूँगा इस बात की कि नू आम ने अपनी कौम को उनका मकसद हयात बताया उस मकसद हयात को हासिल करने का तरीक़ा बताया बहुत और अख्तिसार अंदाज़ से अब यार है तो फिर ये हुआ कि कौम ने जाहिर को बातिन पर तरजीह दे दी जैसा कि हम हमने भी अपने जाहिर को बातिन पर तरजीह दे दी है ज़ाहिर को हम असल समझते हैं देखिये मैं आपको वो बातें बता रहा हूँ जो हम हम में और नूसम की कौम में बिल्कुल मुश्तरक है उन्होंने भी बातिन को भुला के ज़िंदगी गुजारी और गुजारना चाहिए हम लोग भी बातिन को भुला के जाहिर के लिए ज़िंदगी गुजार रहे हैं और गुजारना चाहते हैं अल्लाह तो फिर यह हुआ कि पैगंबर ने इस सूरत के मैं मजामीन पे थोड़ा सा इजमाली तबसरा कर रहा हूँ या उसकी वजाहत कर रहा हूँ फिर पैगंबर ने उनको दलाइल दिए आफाक और अनफुस से वही दलाइल हमारे लिए भी है एक बात फिर कौम ने आ, क्या जवाब दिया उसका तस्करा है इसके बाद यानी दावत के बाद इसका तस्करा है कि कौम का रद्दमल क्या था हमारा रद्दमल तो सामने है हम तो बातन पर यकीन नहीं रखते ज़ाहिर पर यकीन रखते हैं जैसा कि कुरान में है कि यह आलमून ज़ाहिर अल हयात दुनिया वह मानिल आख़िरत काफिलू ये लोग दुनिया के जाहिर को तो जानते हैं यकीन रखते हैं लेकिन आखिरत को नहीं मानते उससे काफ़िल फिर आगे चल के जो है सलाम ने अपनी रिपोर्ट पेश की इस सूरत के मजामी के आखिर में यह है कि नू आम ने अपने रब को अपनी जो ड्यूटी थी उसकी रिपोर्ट पेश की फिर अल्लाह ताला ने उनको यानी कौम की तबाही का जो फ़ैसला था वो उन पर नाफिज हो गया और मोमिनों को अल्लाह ताला ने बचा लिया आज भी साम मैं नहायत आयस्तगी से कह रहा हूँ इसमें कोई जज्बातीत नहीं है मैं और आप और ये माशर जो भी ज़िंदगी गुज़ार रहा है या मैं और आप जिन लोगों के दरमियान ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो नाकामी से उनमें से अक्सरियत जो है वो नाकामी से दो चार हो के इस दुनिया से जा रही है जैसा कि नूह नूसम की थी अब देखें ये तो मैं आपको कह चुका हूँ ये आज़ाब आया उनको तूफ़ान नूह जिसे कहते हैं वो तो चंद मिनटों की बात थी या चलें एक घंटे में पानी बढ़ गया और वो सब डूब गए उसमें वो असल चीज़ नहीं है अजाब जो है ये इज्तम अजाब हो गया सारी कौम गर्क होगी वो असल चीज़ असल चीज़ ये है कि आप कब बने देखें वो तूफ़ान नूह जो आया था वो तो जुर्म की एक सज़ा थी हमें भी अपने जराइम की सज़ा मिलती है वो जैसे कि शायर ने कहा है ना कि हशर का वो पूरा तो मुझे सही याद नहीं है लेकिन उसके अल्फाज ये हैं कि हशर जो है वो यानी जज़ाय अमाल जो है उसका मफ़ूम यह है शेर का कि अमाल सिर्फ़ हशर तक महदूद नहीं है या मौकुफ़ नहीं है ज़िंदगी ख़ुद भी अपने गुनाहों की सज़ा देती है ज़िंदगी ख़ुद भी अपने गुनाहों की सज़ा देती है बहरहाल इस पर इन शीत करते रहेंगे लेकिन सूरत के तमाम मजामी को अल्लाह ताली की तोफ़ी से मैंने आपके सामने बयान कर दिया अब देखें मैं आपको दोबारा ये कह रहा हूँ कि हम सूरत का आगाज़ तो कर रहे हैं लेकिन ये आप अपने लिए समझें अगर आप हिदायत कुरान से हिदायत लेना चाहते हैं तो इस वाक़े को जो कि कौम नुह का वाक़ है इसको नूसम की जगह आप रखें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी जगह रख लें और कौम नूह की जगह ज़ाहिर है वो इंसान थे हम भी इंसान हैं हमारे लिए भी रसूल आए ना ये तो नहीं है कि बस बस वही कौम नूह थी उनके लिए रसूल आए हमारे लिए नहीं आए हमारे लिए भी रसूलुल्लाह ये बात मैं अगर एडवांस में आपको कह दूँ तो मुनासिब होगा देखें ये दुनिया में इस वक्त जो भी लोग बस रहे हैं उसमें दो कस्म के लोग हैं ये सब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है ये एक बात नोट कर ले क्योंकि हमदोल्ला तमाम लोगों के लिए का फतनास बशीरम व नज़ीरा एक बात तो अब ये सब उम्मत है हम अब इसमें दो कस्म की उम्मत होती है उम्मत जो है दो किस्म की है एक उम्मत दावत है और एक उम्मत इजाबत है <coughs> उम्मत दावत तो वो है यानी सारी लोग जो है उम्मत दावत हैं फिर इसमें जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल कर लेते हैं समझ के कबूल कर लेते हैं उनको कहते हैं उम्मत इजाबत हमें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का अव्वल तो मैं ये कहूँ साफ़ बात आपस की है किसी को बताइएगा नहीं कि हमें हुजूर की दावत का न तो इल्म है कि दावत है क्या इस्लाम की हकीक़त हम नहीं जानते ईमान ये बड़े दूर की बात है ईमान और यकीन ये बड़े दूर की बात है उसको भी हम नहीं जानते लेकिन नू अलैहिस्सलाम ने अपने पैगंबर की दावत को पहचान लिया देखिए वो कम अज़ कम हमसे तो अच्छे हो गए ना उन्होंने दावत को पहचान लिया कि ये हमें क्या कह रहे हैं हमने नहीं पहचाना है अपने रसूल की दावत को हमने नहीं पहचाना है जब पहचाना नहीं है तो उसकी इजाबत का क्या मतलब है हमारे जहन में मुसलमान वो है जिसने ज़ुबान से कलमा पढ़ लिया बिना सोचे समझे हमारे जहन और यही हमारा अकीदा चला रहा है ज़ाहरी शरीयत के मुताबिक ये बात बिल्कुल सोफ़ी सद सही है कि जिसने ज़ुबान जो ज़ुबान से इक़रार कर लेता है उसको आप मुसलमान कहेंगे लेकिन जो हकीकी दावत को समझ लेना है फिर उसको कबूल कर लेना है वो थोड़ा सा चीज़ मुख्तलिफ है और जो ज़ाहरी तौर पर ईमान लाने वाले हैं जैसा कि हम और उसको उस दावत को समझते हैं नहीं है जैसा कि हम तो उनके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में फ़रमाया है कि वमिनन्ना से मई यक़ूलो आमन्ना बिल्ला व बिल्मिला ममा हम बिलुन लोगों में से बाज़ ऐसे हैं जो ये ज़बान से तो कहते हैं कि हम ईमान ले आए अल्लाह पे रसूल पे लेकिन ये मोमिन नहीं है दिल में उनके ईमान नहीं है दिल से यकीन नहीं है इनका हमें तो पता ही नहीं है कि दावत है क्या दिल से ईमान का मतलब ही क्या है ये भी हम नहीं जानते हमारा तो दिल से यकीन ये है कि दुनिया असल है दिल से हमारा ये यकीन है कि दुनिया ही में हमने अपना मुस्तकबिल बनाना है हम दिल से ये यकीन रखते हैं कि दुनिया के लिए न, सिर्फ दुनिया के लिए जद्दोजहद करनी है हमारा दिल से यकीन ये है कि हम अपने बच्चों को भी दुनिया ही की कामयाबी के लिए तैयार करेंगे हम अपने बच्चों को दुनिया ही की तो ये सारे जो हैं मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हालात वाक़ात ऐसे हैं और हम उम्मत यानी हकीकी मानों में हम उम्मत इजाबत नहीं है हम जानते ही नहीं हैं कि हुजूर की दावत है क्या और आ, आजकल अगर मैं आपको बताऊं कि ज़ाहरी तौर पे जो आप अल्फास सुनते हैं यानी वो कहते हैं ना रोशन ख्याली हमारे एक मबज़ा जो अल्फाज हैं उसमें ये आ चुकी है रोशन ख्याल मुसलमान अब रोशन ख्याल मुसल रोशन ख्याल मुसलमान आपको पता है रोशन ख्याली इस्लाम और जो यानी हकीकी ईमान वाले हैं उनको हम कहते हैं ये दकैयानुसी है ये पुराने ख्यालात वाला है और ये बड़ा ते शिद्दत पसंद है खैर वो शिद्दत पसंदी तो उनको नहीं बहरहाल मैं अपने हिसाब पे कह रहा हूँ शिद्दत पसंद मैं वो तालिबान को नहीं कह रहा लेकिन दीन में जो पूरे पूरा अमल करने की कोशिश करते हैं कि तो फिर लोग बास कहते हैं कि दीन में इतनी सख्ती नहीं है भैया जो मर्ज़ी आए खाओ जो मर्जी आए पहनो और जिस तरह मर्जी आए अखलाक रखो तो फिर मैं अगर तफसील में जाऊँ तो शायद कुछ लोग नाराज़ हो जाएँ मैं आपको कहता हूँ कि ये जो ख़ानदान बनता है ना उसमें आपको अच्छे तरीके से पता चलता है कि इस्लाम की क्या हैसियत है हमारे घर में जो शुरुआत होती है माशरे की मियाँ और बीवी दोनों अपनी मर्ज़ी से एक दूसरे के साथ सलूक करते हैं इस्लाम और रसूल की ज़ात ने जो भी बताया है आपस के तल्ल के मतलक या अखलाक के मतलब न शौर को पास है बीवी के मरतबे का न बीवी को ख्याल है शोहर के मरतबे का आप देख लें आम तौर पर मैं इसकी तफसील में नहीं जाता लेकिन हो सकता है आप में से बहुत से लोग आ, बहुत सी रूहें जो हैं उनके पास औरत के अजसाम हों और वो अपनी मर्ज़ी से अपने शोहरों के साथ सलूक करें और जो मर्द हैं वो भी आपको मालूम है तो माशरे में आज बिगाड़ उसी तरह आ चुका है जैसे कि कौम नूह में था ये एक बात जो है मैं आपको नोट करा रहा हूँ इसको बर मेहरबानी नोट करें देखें मर्ज़ का जब तक हमें पता नहीं चलेगा उसका हम इलाज नहीं कर सकते बहुत सी आपको मालूम है जिस्मानी बीमारियाँ ऐसी होती हैं कि इंसान को उसका बरवक़ पता ही नहीं चलता या चलता है तो कुछ अलामत नहीं होती तो उसको अहमियत नहीं देता मिसाल के तौर पर एक शख़्स को शुगर है तो शुगर की बाज़ा शुगर इस मरहले में होती है कि ज़ाहिर इंसान को वो अल नहीं होती वो कहता है यार ये तो मुझ में नहीं है जो शुगर की अमाम है बस खाओ पीओ ऐश करो हालाँकि वो शुगर का मरीज़ होता है मिसाल के तौर पे भूख लगना या वज़न वज़न कम होते चले जाना शुगर की मरीज़ या बहुत प्यास लगना और इस तरीके से और जो भी वो अलामात हैं तो एक शख़्स को अगर ये ऐसा नहीं होता तो फिर वो कहते हैं यार मेरी तो ये अलामती ही नहीं है मैं के, कौन कह रहा है कि मैं मरीज़ हूँ इसी तरह इस्लाम का हमारा मामला है जब हमारी बात आती है सामने कम तो ये बड़ा न, एक न, जनी नाजुक सी बात है लेकिन मुझे कहनी है वो ये है कि हमें तो इस्लाम की अलफ बे भी नहीं मालूम हकीकत में हाँ आपने दीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया है ये अब जैसे कि ये सूर्य नूह है तो बहुत से लोग कहेंगे कि यार ये तो एक क़िस्सा है ठीक है ऐसा हुआ और अल्लाह ताला यानी फरमा रहे हैं कि हमने भिजवाया नू आम को उनकी कौम की तरफ तो इससे पहले कि ददनाक अजब उन पर आए तो वो आए तो उन्होंने अपनी कौम को कहा कि इन्नी लकुम नज़ीरुमबीन अने अब यानी ये, ये कस्से की मानंद हम ये पढ़े आम तौर पर मेरा पूरा यकीन है कि इस वाक़े को कोई अपने लिए नहीं पढ़ेगा इसमें मेरे लिए क्या हिदायत है मेरे लिए क्या इसमें यानी इसबाक है इस तरीके से कोई भी नहीं पड़ेगा लिहाजा लेकिन कम से कम मैं आपको कह रहा हूँ कि आप मेरी जबानी अगर सुन रहे हैं तो आप अपने आप को कौम नूह की जगह रखें आप देखें कि आप में और कौमी नूह में फर्क क्या है बस ये मेरी गुजारिश है कि जाहिर है कि मैं आपको यह कहता रहता हूँ कि कुरान के आन में अपनी तस्वीर देखा करे वो तो तिल का उम मतुल कद खलत लहा माँ का सबत व माँ का सब तो कुरान के अल्फाजे मैं नहीं कह रहा ये जो अकवाम थी पुरानी अल्लाह ताला फरमाता है कि वो तो कद खलत वो तो गुजर गई उनके लिए वो है जो उन्होंने कमाया तुम्हारे लिए अब तुम्हारे लिए वो है जो तुम कमाओगे अब हम अपने लिए क्या कमा रहे हैं हमारी कमाइयाँ क्या हैं अल्लाह की तोहद से इनकार है जो खालिस खालिस्हद है रसूल की इत, इतात और इतबा से इनकार है योम क़यामत से इनकार है यानी ये वो हमारे यानी जो हमारे ज़बान हाल से जो हाल है वो मैं बयान कर रहा हूँ दोबारा जी उठने पे हमारा यकीन नहीं है योम हशर पर यकीन नहीं है जन्नत पर यकीन नहीं है दोज़ख़ पर यकीन नहीं है और अल्लाह की जात होगी कम से कम इतना तो मानते हैं लेकिन इतना तो वह मशरकिन मक्का भी मानते थे कि भई ख़ालक समावत वल इंसाल तमन खल सम बल अर्दयूल्ला मई अर्जो समाईवल ये वो मुशरिकों के जवाब थे बोला इंस था अगर आप इनसे पूछें कि ज़मीन और आसमान किसने पैदा किए वो कहेंगे अल्लाह ने अगर आप इनसे पूछें कि तुम्हें रिस्क कौन देता है ज़मीन और आसमान से वो कहेंगे अल्लाह तो ये तो मुशरिकाना मुशरिक भी ये लोग मानते हैं जितना हम मानते हैं ना ये थोड़ा सा आप ज़रा मुझे जल्दी नहीं है लेकिन आप थोड़ा सा ये बात सुने हमारे और मशरकिन के अक़ायद एक से हैं वो ये सब कुछ मानते थे अल्लाह है ठीक है रबावात वल अर्द वही है खाल अच्छा ख़ाल समावत वल अर्द भी वही है राजक भी वही है ये मशरकिन का अकीदा मैं बयान कर रहा हूँ आपको कुरान में जो लिखा है अच्छा इसके अलावा वो वो कहते थे कि नहीं अल्लाह इलाह वाहिद नहीं है हमारे और भी मकसूद हैं महबूब हैं मतलूब हैं हमें और भी चीजें हम भी यही कहते वो ये मानने के लिए तैयार नहीं थे कि अल्लाह इलाह वाहिद है ने मक्का अल्लाह को मकसूद वाहिद करार देने के लिए तैयार न थे महबूब वाहिद करार देने के लिए तैयार न थे मतलूब वाहिद करार देने के लिए तैयार न थे आ, वो हम भी ऐसे ही कर रहे हैं कि नहीं नमाज़ रोज़ा ज़क़ात हज ये तो करेंगे लेकिन अल्लाह से मोहब्बत टोटली शदीद मोहब्बत नहीं हम नहीं कर सकते माल और जान को अल्लाह की राह में खपाना नहीं ये हम नहीं कर सकते और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत क़ुर की हिदायत हुजूर के तरीक़े और उनकी इतबा के लिए हम तैयार नहीं हैं वो मशरकिन भी तैयार नहीं थे तो फ़र्क कहाँ पे है फिर नोय बस सिर्फ इतना फ़र्क है कि वो ज़बान से मुखालफत करते थे हुजूर की दावत की हम अपने अमल से कर रहे मुखालफत कर रहे मुखालफत और किस चीज़ भला का नाम है आप मुझे बता दें ये सारा अपना स्ट्रक्चर जो है वो इज्तमाही स्ट्रक्चर इसको आप देख लें यही स्ट्रक्चर है हमारा क़ुरान को झुटलाना रसूल की दावत को झुटलाना ये हमारा कौमी शार है मन हैसलोम इसको आपने देखना होगा मैं मुझे कोई ऐसी वो नहीं है कि मैं खाम किसी पर इल्जाम तराशी ये तो देखें मैं अपनी कौमी हाल बयान कर रहा हूँ अगर आप कहते हैं कि नहीं ये सारी सूरत हाल नहीं है और तुम झूठ कह रहे हो हमारा तो मकसूद महबूब मतलूब मबूद एक है और वो है अल्लाह बहुत अच्छी बात है अगर आप ये करते हैं आप कहते हैं कि हमें तो हम तो आखिरत के लिए ज़िंदगी गुजारने वाले हैं अगर आप ये दावा कर दें और मैं सुनूंगा अगर आप कह रहे हैं कि हम तो दुनिया को आखिरत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम आखिरत में कामयाब हो जाएं। अगर आप ये कहें जन्नत पर तो हमारा पूरा यकीन है हमारा हर अमल जन्नत के लिए है आप ये कहें ना कह सकते हैं आप दो पर आप पूरा यकीन करें कि दो तो बड़ी हौलनाक आजाब है हम तो उससे डरते हैं अल्लाह की नाफरमानी से हम डरते हैं और हम तो बड़े मुतकी हैं यह सारी बातें आप कहें तो कह दें लेकिन देखने वाला तो आपको अमल के अमल को देखेगा आपके कॉल को तो नहीं देखेगा ना तो मैं आप झूम झूम के बस वाह वाह सुबहान अल्लाह और नारे तकबीर के नारे लगाएं आ, और फिर अमली ज़िंदगी में वही अपनी पुरानी रवि शैतान की पैरवी है नफसानी ख्वाहिशात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं लोग तो ये बड़ी एक यानी दर्दनाक कहानी है अच्छा इसमें मज़ा ये है मज़ा क्या है ये? लेकिन एक ख़तरनाक पहलू ये है कि हम जो गफलत में ज़िंदगी गुजार रहे लेकिन वो ये राय है कि हम में से अक्सर लोग इस ज़िंदगी से नाकाम नाकामी की सूरत से दो चार हो रहे हैं हम में से अक्सरियत के दिल जो है वो पत्थर हो चुके हैं हम में से अक्सरीत की दिल जो है उसमें जंग लग चुका है हमारे अक्सरियत के दिलों पर मोहर लग चुकी है नेक बात सीधी बात समझ में नहीं आती आप देख लें मेरे जो यूट्यूबर हैं सामाइन तो आप देख लें मेरी जो बातें हैं तो या किसी भी जो क़ुरान का दर्स ख़ालिश पेश करता है तो उसको आ, सुनने वालों की तादाद कितनी है हाँ जो किस्से कहानियाँ बयान करते हैं उनकी तादाद जो है फिर लाखों में है तो बहरहाल ये सारी बातें हैं मुझे इससे कोई नहीं है कि कोई मुझे देखे या ना देखे या सुने या ना सुने मैंने तो अपनी बात करनी है कुरान मौजूद है कोई इससे हिदायत ले या न ले अल्लाह की क्या अल्लाह की शान में क्या फ़र्क आता है माजल्ला कुछ भी नहीं आता वो हदीस का मफहूम है ना सारी दुनिया इनकार कर दे सख्त से सख्त काफिर हो जाए अल्लाह फरमाता है मेरी शान में तो कोई फ़र्क कमी नहीं आएगी या सारी दुनिया जो है अलियाल्ला बन जाए मेरी शान में तो कोई फ़र्क़ नहीं आएगा अल्लाह बे न्याज है इन अल्लाह लगनय आन तमाम जहानों से अल्लाह बेनियाज है ये बात ज़रा नोट कर लें अल्लाह ताली की शान बेनियाजी को तो भी मद्द नज़र रखा करें। करे। बहरअल मैं तब्रब के लिए आयात पढ़ता हूँ आउमिन बसमीम इन्ना अरसल ना नूहन अला कौमी ही अनजर कौम का من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأتيعون. أبناية تلاوة الترجمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of God the gracious the merciful. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك